भारत के कई लोग ऐसे हैं जिनका सालाना पैकेज करोड़ों रुपयों का है। कुछ दिन पहले ही भारतीय मूल के सुंदर पिचाई अल्फाबेट के सीईओ बनाए गए हैं और अब उनकी सैलरी में 200% इजाफा किया गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई का वास्तविक नाम सुंदराजन है और उनकी उम्र 47 वर्ष है। उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरै में 1972 में हुआ था, लेकिन वो चेन्नई में पले बड़े। अब अल्फाबेट का सीईओ बनने पर सुंदर पिचाई को 24.2 करोड़ डॉलर यानी 1,718 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। इसमें सालाना 20 लाख डॉलर यानी 14.2 करोड़ रुपए बेसिक सैलरी और 24 करोड़ डॉलर यानी 1,704 करोड़ रुपए के शेयर शामिल हैं। पिचाई का नया सैलरी पैकेज 1 जनवरी से लागू होगा। हालांकि 24 करोड़ डॉलर में से 12 करोड़ डॉलर का स्टॉक अवार्ड 3 किश्तों में मिलेगा, बाकी सालाना परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। यानी पिचाई सभी टारगेट पूरा करते हैं तो 3 साल में उनको ये शेयर मिलेंगे। पिचाई को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ बनाने का ऐलान 4 दिसंबर को हुआ था और अब अल्फाबेट ने ये जानकारी दी है। गूगल ने 2015 में कंपनी स्वरूप में बदलाव करते हुए अल्फाबेट को स्थापित किया था। अल्फाबेट अलग अलग कंपनियों का एक ग्रुप है। गूगल और अल्फाबेट के अब तक के इतिहास में पिचाई को सबसे बड़ा स्टॉक अवार्ड मिला है। 2018 में पिचाई को कुल 135 करोड़ रुपए के वेतन भत्ते मिले थे। इसमें 4.6 करोड़ रुपए बेसिक सैलरी थी। हालांकि पिचाई ने पिछले साल स्टॉक अवार्ड लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सैलरी ही काफी है। 1,704 करोड़ रुपए का स्टॉक अवार्ड गूगल और अल्फाबेट के अब तक के किसी अधिकारी को नहीं मिला है। एप्पल के सीईओ टिम कुक को पिछले साल कुल 957 करोड़ रुपए के वेतन भत्ते मिले थे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के वेतन में पिछले साल 66% इजाफा हुआ। उन्हें बीते वित्त वर्ष 2018-19 में 306.43 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन मिला। इसमें ज्यादातर स्टॉक अवार्ड के रूप में था। उनकी बेसिक सैलरी 23 लाख डॉलर थी। नडेला का पैकेज 2017-18 में 184.28 करोड़ रुपए था। अल्फाबेट के पूर्व सीईओ लैरी पेज और ट्विटर के सीईओ जैक डोर्से ने पिछले साल सिर्फ एक डॉलर का सांकेतिक वेतन लिया था। आइए नजर डालते हैं 2018 के सबसे ज्यादा सालाना पैकेज वाले 5 सीईओ पर। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क, जिनकी सालाना सैलरी 3,591 करोड़ रुपए है। टिलरे के सीईओ ब्रेंडन कैनेडी, जिनकी सालाना सैलरी 1,792 करोड़ रुपए है। वॉल्ट डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर, जिनकी सालाना सैलरी 1,022 करोड़ रुपए है। एप्पल के सीईओ टिम कुक, जिनकी सालाना सैलरी 957 करोड़ रुपए है। और पालो अल्टो नेटवर्क के सीईओ निकेश अरोड़ा, जिनकी सालाना सैलरी 910 करोड़ रुपए है। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई 2015 में गूगल के सीईओ बनाए गए थे और अब पिछले दिनों गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ बनाए गए हैं। पिचाई की ये तरक्की भारत के लिए गर्व की बात है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।